ये जो जानकारी है बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है लोगों के लिए। जैसा आप देखते हैं हमारे हॉस्टल में जो हमारा जीएमसी का एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा या बाकी भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पेशेंट्स की काफी भीड़ रहती है और जो सिक पेशेंट होते हैं जिनको पेट में दर्द या सर में दर्द होता है उनको कतारों में इंतजार करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छी सी सहूलियत रखी है पेशेंट के लिए कि अब कतारों में वेट नहीं करना है, वी कैन इजीली स्किप द क्यू। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मोबाइल पे जिनका एंड्रॉयड फोन है, तो उसमें से रजिस्ट्रेशन करके उसमें लॉग इन करके एक आईडी आपका बनता है, तो वहां से वो स्कैन करके उनको एक टोकन जनरेट होता है, वो एक मिनट में उसके लिए हमने सेपरेट काउंटर रखा है जैसा आपने देखा होगा या अभी आप देख लेंगे सेपरेट काउंटर है, तो वहां से वो टिकट ले सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें फायदे दो तीन है जो ये आभा ऐप है। इसमें एक फायदा ये है कि एक तो पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ता है, दूसरा इसको चिट्ठी ओपीडी में हम देखते हैं कि कभी चिट्ठी तब्दील भी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल गुलाम मोहम्मद के नाम के दो या तीन पेशेंट हैं तो उनको एक डॉक्टर को दिखाना होता है तो वो अपने डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं। जो हमारी प्रिंटेड टिकट निकलती है इसे पेशेंट का नाम पूरा लिखा होता है, प्रिंटेड नाम, उसमें उसकी एज, उसकी रेजिडेंस, फोन नंबर सारा कुछ लिखा होता है, तो इसको चिट्ठी गुम होने या चिट्ठी तब्दील होने में चांसेस खत्म हो जाते हैं। दूसरा ये है कि हमारी जो वहाँ भीड़ रहती है काउंटर पे वो भीड़ भी खत्म हो जाती है। तीसरा ये है कि जो ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है आभा, उसमें अपना वो प्रोफाइल भी बना सकता है, उसमें अपने रिकॉर्ड वो रख सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है ताकि डॉक्टर को जब वो उसके साथ मीटिंग होती है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है तो डॉक्टर को भी ईजी होता है कि कौन पेशेंट है, इसका बैकग्राउंड क्या है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, ताकि डॉक्टर के पास भी थोड़ा सा कम ही टाइम लगे पेशेंट को। एक ही फोन नंबर पे अगर घर में एक ही फोन है तो इसमें अगर हमारी फैमिली चार या पांच लोगों की है तो उसमें वो सारे लोग रजिस्टर होके तो जिस पेशेंट को हॉस्पिटल आना होगा उसी की आईडी पे क्लिक करके वो टोकन हम जनरेट कर सकते। लोग हमें ये शिकायत करते थे कि ये आपने रखा है अच्छा सा एंड्रॉयड फोन के लिए, जो नॉन एंड्रॉयड फोन वाले बुजुर्ग आते हैं या गरीब लोग हैं जिनके पास छोटा फोन होता है उनके लिए भी हम इंशाल्लाह अगले दो तीन दिनों में फैसिलिटी क्रिएट करेंगे, उनको वो एक स्कैन गन हमारे पास वो अभी ट्रांजिट में हमने वो ऑर्डर कराया हुआ है, उनको फिंगरप्रिंट से ही सारा कुछ करना होगा और उनके लिए भी हम आईडी जारी